नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, और आपका स्वागत है जमशेद मेरठ की एक नए वीडियो पर। फिलहाल एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर आपको चारों ओर जो है वो हरियाली देखने को मिलेगी, और साथ में अगर हम आपको बताएं तो पेड़ पौधे और तरह तरह के जो है छोटे छोटे कीट पतंग आपको देखने को मिलेंगे, चहचहाट सुनने को मिलेगी चिड़ियों की, और तरह तरह के जो है आपको यहाँ पर पेड़ के स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे। तरह तरह के जो है पेड़ में आपको थोड़े थोड़े चेंजेस करके जो है वो देखने को मिलेंगे। एक्चुअली मौजूद है हम लोग जमशेदपुर का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क में, जिस जगह पर जो है आप बता सकते हैं जिस तरीके से पेड़ हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग है, और इसी से जो है हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसी से जो है हमें जीवन यापन करने की पर्याप्त मात्रा में सांस लेने के लिए ऊर्जा मिलती है। और यहीं पर जो है इस तरीके से एक बनाया गया है पार्क, जिसका नाम दिया गया है कदमा बायो डाइवर्सिटी पार्क, जो कि पहला जमशेदपुर का पार्क है। और यहाँ पर जो है पार्क का पूरा नक्शा दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बीच में एक तीन चार तालाबें आपको दिख रही होंगी, कुछ मैदान जैसे हैं, पेड़ के आपको इकट्ठे जगहें देखने को मिलेंगी, और तरह तरह के जो है सेक्शंस बनाए गए हैं, जैसे कि बर्ड वॉचिंग सेक्शन है, बैम्बू ग्रुप है, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस इसमें दिए गए हैं, जिसके दौरान जो है आप जब यहाँ पर सैर करने आएंगे या सुबह के दौरान जब आप यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए आएंगे तो उस समय पर आपको तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। थोड़ा अंदर चलेंगे, अंदर चलते चलते बातें करेंगे, जो नज़ारा दिखती है वो दिखाएंगे, जितना हो पाएगा जब तक नेटवर्क साथ रहेगा उतना आप लोगों को दिखाते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाने से पेड़ की गहराई जो है वो बढ़ते रहेगी, घनावट बढ़ेगी, तो हो सकता है कि नेटवर्क में इश्यू देखने को मिलेंगे। तो आगे दिखाते रहिए, चलते रहिए हमारे साथ में, और जिन लोग जुड़ रहे हैं शेयर करते रहिए, क्योंकि एक खास चीज़ है, एक अच्छा चीज़ है यहाँ पर जमशेदपुर वासियों के लिए। प्रकृति बचाने की पहल जो टाटा स्टील कर रही है उसमें ये एक और भाग बना दिया गया है, एक और चीज़ को जोड़ दिया गया है, और जमशेदपुर के लिए एक नया सौगात भी मिल चुका है इस पूजा के दौरान। तो आगे बढ़ते रहेंगे, और आप लोगों को लाइव अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट करिए, कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के जो है आपको दिखाते रहेंगे। और आप जैसे सुन पा रहे हैं, सुन भी पा रहे होंगे कि चिड़िया की चहचहाट जो है वो आपको यहाँ पर भली बातें सुनाई देगी जब आप यहाँ पर आएंगे, क्योंकि पेड़ पौधों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और ज़्यादा होने के कारण आप लोगों तक जो है, आपको पता है कि पेड़ पक्षी ये सब जो है इस सब जगहों पर रहने में इच्छुक रहते हैं, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरीके से बनाया गया हुआ है, और यहाँ पर स्लोगन भी लिखा हुआ है, गो ग्रीन टू ब्रीथ क्लीन, मतलब सांस लेने के लिए जो है हरियाली ज़रूरत है, उसको दर्शाते हुए एक एक जगह पर एक एक तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आने से जो आपको इंफॉर्मेशन है वो पूरा मिल जाएगा, इस जगह पर आपको फ्लोरा एंड फौना का एक चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें जो है किस किस तरीके के इंसेक्ट्स और किस किस तरीके के बर्ड्स या कीट पतंग यहाँ पर मौजूद रहेंगे वो आपको दिखाई दे रही होगी, और साथ में किस किस तरीके के पेड़ पौधे और फूल फल आपको देखने को मिलेंगे वो दर्शाया जा रहा है इस चार्ट में। आगे भी कुछ और चार्ट्स हैं, दो चार्ट बाकी हैं, तीन चार्ट लगाए गए हैं टोटल, और इस जगह पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर भी एक आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर कई सारे जैसे कि मैंने बताया कि सेक्शंस आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिली पॉन्ड, जो कि लिली आप लोगों को पता होगा, उसका एक तालाब बनाया गया है। एग्जिस्टिंग ट्रीज, जो पुराने पेड़ है, जो बड़े पेड़, जिस तरीके से पौधे हमारे जीवन में ज़रूरी है उगाना, उसी तरीके से इन बड़े पेड़ों को भी संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है और ज़रूरत है। साथ में फ्रूट ऑर्चर्ड, जो कि फल के लिए एक बनाया जाता है जिसमें पेड़ों का गुच्छा होता है। कंट्री स्टाइल हट्स दिए गए हैं, और रेस्टिंग प्लेस है, क्योंकि वॉकिंग के लिए भी इस जगह को खोला गया है, सुबह का 9:30 बजे तक खुला हुआ रहता है, एग्जैक्ट टाइम आपको बता दिए जाएंगे। यहाँ पर रेस्टिंग प्लेस है, फिर एमपी थिएटर यहाँ पर बनाया गया है, साथ में मेडिटेशन एंड योगा जोन दिए गए हैं। रीयूज़ ऑफ नेचर स्टोन, नेचुरल स्टोन का रीयूज़ करके जो है कलाकृति किया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है, साथ में वॉकिंग ट्रेल और बटरफ्लाई गार्डन एंड डीप फॉरेस्ट एरिया, मतलब घने जंगल का एक सेक्शन भी आपको बनाया गया है। साथ में यहाँ पर जो है की फीचर्स दिखाया गया है, क्योंकि लाइव के माध्यम से पूरा आपको बायोडाइवर्सिटी ये जो पार्क है वो घुमाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग आपको इन शॉर्ट बता रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे 300
के आसपास जो है बड़े पेड़ हैं और उसके छोटे उससे छोटे जो है 900 के आसपास एग्जिस्टिंग ग्रुप ट्रीज, साथ में 2800 के आसपास जो है नए पौधे लगाए गए हैं, 2400 के आसपास बैम्बू प्लांट्स, साथ में 4650 के आसपास श्रब्स लगाए गए। तो छोटे छोटे जो आपको झाड़ियाँ दिख रही होंगी शुरुआत में आपको देखने को मिली इस तरीके की, और 100 से भी ज़्यादा जो है वैरायटीज़ है, मतलब कि आपको जो है यहाँ पर पेड़ पौधे की वैरायटी आपको देखने को मिलेंगे, साथ में कीट पतंग और फूल फल के साथ। यहाँ पर जब आते हैं देखने के लिए तो इस जगह पर आपको कई सारे चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, साथ में बटरफ्लाई गार्डन है, यहाँ पर ग्रीन एरिया है और इसी तरीके से कई सारे चीज़ें हैं, और ये जो है पूरा नक्शा आपको दिया गया है। ये एंट्री गेट है जहाँ से हम लोग एंटर किए हैं, उसके बाद यहाँ पर दिखा दीजिएगा दो रास्ते अलग हो रहे हैं और बीच जगह पर जो है अभी हम लोग खड़े हैं और खड़े होकर आपको ये बता रहे हैं, इस जगह पर खड़े हैं और खड़े होकर अभी आपको दिखा रहे हैं बता रहे हैं। तो फिलहाल ये सब प्लानिंग्स है जो कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ओर हमारे शहर जमशेदपुर में कई सारे जगह पर पेड़ों को काटा जा रहा है, छांटा जा रहा है, और उस बीच टाटा स्टील निरंतर ये प्रयास कर रही है कि किस तरीके से पर्यावरण को बचाया जा सके, पर्यावरण से जुड़ा जा सके और लोगों को इसका महत्व जो है वो समझाया जा सके। और इसी मकसद से हम लोग लाइव के माध्यम से आप लोगों को जोड़े हैं, और आप लोग का जुड़ने के लिए काफ़ी धन्यवाद। और इस जगह पर आके सही में मन जो है एकदम हल्का हो जा रहा है और खुशी का माहौल लग रहा है, क्योंकि आप जब यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ अलग है इस जगह पर। और पक्षियों की चहचहाट जो कि शहर के बीच हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, सुन नहीं पाते हैं और तरसते हैं, उन सारी चीज़ों का अनुभव जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक प्राकृतिक के बीच में सौंदर्य और जो एक साफ हवा, एक जो क्लीन ब्रीथ आप ले सकते हैं इस जगह पर आके, वो कहीं ना कहीं एक अलग एहसास आप लोगों को देगी। तो आशा है कि आप लोग भी इस जगह पर आएंगे, टहलेंगे और इस जगह का सौंदर्य का जो है आप लोग भी लुत्फ़ उठाएंगे। फिलहाल यही सब बातों के साथ इस लाइव को समाप्त करूंगा। मैं विक्टर फिलहाल के लिए जमशेदपुर मिरर से विदा लूंगा, बने रहेगा तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।